Now we are talking about other biotechnological approach to use enhance the ripening of cheese. Here we are describing about immobilization of the enzyme. What is the meaning of the enzyme? अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एंजाइम क्या होते हैं तो सिंपल सा आंसर होगा, एंजाइम वो कैटलेज हैं जो किसी भी रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। बस सिंपल सी है। अब यहाँ पे इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का मतलब है, यहाँ पे एंजाइम जो है यूज हम जो कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के बाद देन हम उसे ईजिली सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इमोबिलाइज सिंपल सी नाम से पता चला है, मोबाइल लाइक। तो यहाँ पे जो हम एंजाइम करते हैं, जो हमारा इमोबिलाइज एंजाइम है, इसकी ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है? रीज़न ये है कि जैसे अगर हम अदर एंजाइम्स को देखते हैं, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद हम उसे सेपरेट आउट नहीं कर पाते, ठीक है, एक बार यूज़ किया देन हमारी रिएक्शन होगी, हम उसे सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हमारे इमोबिलाइज एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसे हम ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। जब वो ईजिली सेपरेट आउट हो जाते हैं देन उसके बाद उस रिएक्शन को हम दोबारा या अदर रिएक्शन में हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जो रिएक्शन के बाद हम इमोबिलाइज एंजाइम को सेपरेट आउट कर लेते हैं देन उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। इस मैनर में हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इमोबिलाइज, दैट्स मीन होता है अनएबल टू मूव, क्लियर। इमोबिलाइज एंजाइम होता क्या है? इमोबिलाइज एंजाइम हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। इमोबिलाइज एंजाइम को हम क्या करते हैं, एंजाइम को किस इनर्ट, इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंजाइम को किसी नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस से या हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल से, जैसे कि इनसॉल्युबल मटेरियल का नाम है जैसे कैल्शियम एल्जिनेट हुआ, उस सब्सटेट में हम उसको कवर अप कर देते हैं, क्लियर। यहाँ पर देन हम लोग उसे यूटिलाइज़ कर लेंगे, यूटिलाइज़ करने के बाद वो हमें सेपरेट रिएक्शन के बाद उसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बल्क के फॉर्म में सबस्ट्रेट से। तो ये चीज़ एक यूज़फुल रहती है यहाँ पर। हम इमोबिलाइज एंजाइम जो है मेनली कोवेलेंटली जो हम कह रहे हैं कि इसको इनर्ट मटेरियल से या इनसॉल्युबल मटेरियल से हमने इसे इंट्रैप करा दिया, तो फिजिकली वैसे ये क्या होता है, इंट्रैप होने के बाद कोवेलेंटली बाउंड कर जाता है, ठीक है, इनर्ट सब्सटेंस से या इनसॉल्युबल मैट्रिक्स से किसी से भी, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स जो होते हैं ये हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, सच लाइक पॉलीएक्रामाइड, कैरेंगिनन, काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लास बीड, ये कुछ सब्सटेंस हैं जो हम एज अ मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इमोबिलाइजेशन अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या क्या है, जैसे जो हमारे इमोबिलाइज एंजाइम हैं उनको रिएक्शन के बाद हम जब पूरी रिएक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट बन के हमें मिल जाता है, कंप्लीट प्रॉपर तरीके से रिएक्शन हो गई, देन उसे हम दोबारा सेपरेट आउट कर सकते हैं, देन उस एंजाइम को हम दोबारा रीयूज या रिसाइकिल कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो इमोबिलाइज एंजाइम है वो किसी मैट्रिक्स से बाइंड करता है, तो मैट्रिक्स से बाइंड करने के बाद अब इसके साथ कोई एक नई चीज़ जुड़ गई है, अब साथ में अगर कोई नई चीज़ है इनके साथ, गाइड है, ठीक है, गाइड है, तो वो क्या करता है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, जो मैट्रिक्स के साथ जो ये कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है उससे वो ग्रेट रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट कर रहा है, लाइक पीएच टेम्परेचर के अगेंस्ट में, जैसे पीएच हायर पीएच हुआ या टेम्परेचर हुआ उसके ग्रेटर रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर देता है। देन रिएक्शन मिक्सचर या प्रोडक्ट जो हमें मिलता है सॉल्वेंट का आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द रिएक्शन, तो बाद में लेस हम कह सकते हैं लेस कंटामिनेशन हमें मिलेगा एंजाइम में।
देन इमोबिलाइजेशन इम्प्रूव द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम. क्लियर? तो यहाँ पे ये कुछ एडवांटेज हैं इमोबिलाइज एंजाइम्स के. यहाँ तक हमारा कंप्लीट, आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड ये इमोबिलाइजेशन एंजाइम को इंक्लूड करके आपके यूनिट 5 के सारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट होते हैं. थैंक यू.